शांति, सभी श्रेष्ठ खुश नसीब मर्यादा पुरुषोत्तम नंबर वन गऊओं को गॉडली मॉर्निंग। तेरा ज्ञान जब से मिला है उसी का ये सुरूर है, नशा है क्या कि जीते जी पुरानी दुनिया से मरकर अब बेहद बाप के साथ जी रहे हैं और वाह वाह के गीत गा रहे हैं, मना मर जीवा हो गए। है ना सभी का ऐसा अनुभव? तो अब इस मरजीवा जन्म में क्या करना है? खुद को और जो कुछ भी खुद का हम समझते हैं सबको संपूर्ण सरेंडर और फिर ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा आज साइंस की पहुंच और आत्मा की पहुंच कहाँ तक है इसका अंतर बताते हैं। हमें पता है ना आकाश के उस पार भी आकाश है, तो बहुत दूर तक बहुत ऊंची उड़ान हमें भरनी है। बाबा आज अंतिम समय के दृश्य भी दिखाते हैं। ये सब देखने के लिए आत्मा बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, इसलिए हमें निरंतर योग युक्त रहना है। सेवा के लिए बाबा आज कहते हैं कि हमें सबको निराकार व साकार का अंतर स्पष्ट करना है, उन्हें भी स्वर्ग का मालिक बनने का रास्ता दिखाना है। तो तैयार हैं सभी लाइट हाउस? सुनते हैं 11 अप्रैल 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे जीते जी मरजीवा बनो, हम अशरीरी आत्मा हैं। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। जीते जी मरजीवा बनना है, जीना तो है लेकिन पुरानी दुनिया से मरना है। और ये याद रहे कि ये मरजीवा जन्म है, द्विज है, ब्राह्मण है, दूसरा जन्म है। हमेशा ये याद रहे कि हम अशरीरी आत्मा हैं। देह तो हमें यहाँ पाठ बजाने के लिए मिली है, तो परम धाम से हम आत्माएं आई हैं इस धरती रंगमंच पर अपना पाठ बजाने। हम आत्मा हैं, हर एक आत्मा है। तो ये पहला पाठ हमें रोज पक्का करना है। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर में बाबा कहते, जो संपूर्ण सरेंडर हैं वह देही अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी, उनको याद रहेगा कि हम आत्माएं हैं और इस देह की कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। यह देह भी हमारी नहीं, अभी हम नंगे बनते हैं, न अंगे, है ना, नंगे बनते हैं, माना तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब कुछ दे दिया, अपना अंग भी दे दिया, है ना, हम तो आत्मा, तो तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। अब मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। सब कुछ बाबा का है, मेरे को तेरा कर दिया और फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। कोई चाहिए ना हमें तो बाबा का बन जाना है। बाबा से ममत्व हो, बाबा से मोह हो, एक बाबा से ही जुड़ना है, बाकी सबसे ममत्व मिटा देना है देहधारियों से। धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। अपने बच्चों को भी संभालना है, जिनके हम बच्चे हैं तो माँ बाप को भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, गृहस्थी भी संभालनी है, सब करना है, कर्जा उतारना है। हमें लगता है ना कि हम दुनिया में आए हैं तो हमारे ऊपर कर्जा है, तो सबका कर्जा उतारना है लेकिन श्रीमत पर चलकर। और श्रीमत क्या कहती है? ट्रस्टी बनकर रहो। तो श्रीमत पर ट्रस्टी होकर सबका कर्जा उतारो, सबको संभालो, अपना धंधा धूरी करो, घर गृहस्थी के काम करो, लेकिन देही अभिमानी होकर रहना है। सब कुछ बाप को सरेंडर बुद्धि से कर देना है। गीत बजा। पर है सुनने, हम न जाएंगे
शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। दर पर आए हैं, कसम ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, कभी भी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं, ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चनाइज करते हैं, कई सेरेमनी होती है ना, तो उनको ऐसे जैसे कि क्रिश्चियन बनाते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। जीते जी मर गए, पुरानी दुनिया से बुद्धि हट गई और बाबा के बन गए, आत्मा, मैं आत्मा परमात्मा की हो गई। यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं, मरने के बाद सब भूल जाता है, कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, शरीर में तो रहते ही हैं लेकिन बुद्धि से मरना है, पुरानी दुनिया से। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है, भल बाप का बनी हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, तमो प्रधान होने कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। देखो सभी आत्माएं कैसी मुरझाई हुई हैं, दुखी हुई हैं, कोई भी उड़ान नहीं भर सकते ना, सबके पंख टूटे हुए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, है ना, उड़नतश्तरी होती है ना, उड़ाका दल, उड़नतश्तरी, तो आत्मा उड़ने वाली है ना, फ्लाइंग स्क्वाड है, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज कोई होती नहीं, आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहां जाती हैं, बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, आकाश तारागण के पार, आकाश के उस पार भी आकाश है, वहां से फिर लौटना नहीं है, सूर्य चांद से पार जाती हैं, वहां से फिर लौटना नहीं है, उन्होंने रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, साइंस के साधन कितनी दूर जाएंगे, जितना पेट्रोल होगा आना तो पड़ेगा ना नीचे, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, झट चले जाते हैं, देखो हम तो एक सेकंड में पहुंच जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, कौन से पंख मिले हैं, ज्ञान योग के, उमंग उत्साह के पंख मिले हैं, हिसाब किताब चुक दो कर आत्मा पवित्र बन जाती है, इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, कहते हैं ना अंत में सबका हिसाब किताब चुक दो होगा, डूम्स डे कहते हैं, तो सब आत्माओं को हिसाब किताब चुक दो कर जाना है, अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, देखो बाबा धोने आए हैं, मैल निकालने आए हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है, मैली हो गई, पतित हो गई, तो पुनर्जन्म कहाँ होगा, यही होता रहेगा ना, तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है, सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, अब हर आत्मा जन्म तो लेगी, मिनिमम एक जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म, तो सबको आना है, वहां रहकर क्या करेंगे, मूल वतन में रहकर क्या करेंगे, आत्माएं बिना शरीर के तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, तो जन्म नहीं लेना है, शरीर नहीं लेना है, तो आत्मा क्या करेगी, कुछ भी नहीं, डेड है, जैसे डेड वेजिटेबल बोलते हैं ना,
तो वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। अंतिम आत्मा उतर के आएगी और इधर से जाने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जाते हैं, आते हैं, आते हैं, जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भले यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती ही रहती हैं। बाबा आए, नीचे मुरली चला रहे, फिर भी आत्माएं तो आ रही हैं ना, जन्म तो देखो होता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, भले यहाँ भी हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबर वार। रिकॉर्डिंग है, जिसका जब नंबर आ रहा है वो आते जा रही है नीचे, फिर तुम जाएंगे भी नंबर वार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मरजीवा बनना है। हम आत्मा हैं यह निश्चय रखना मेहनत है। आधा कल्प से खुद को देह ही समझने लगे ना, तो वही नेचुरल हो गया। अब आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। यह देह जैसी कि हमारी है नहीं, मैं इनको छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, थोड़ी घर गृहस्थी छोड़कर सेंटर पे आकर बैठ गए, मधुबन में जाकर बैठ गए। नहीं, बाबा कहते हैं तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। वो भी तो ऋण है ना, मातृ पितृ ऋण है तो वो चुकाना तो पड़ेगा। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो। बाबा कहते हैं, मुझे बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ, सब कुछ दे दो, या मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ तो भी तुम्हें देना पड़ेगा रिटर्न, तो मेरे बन जाओ, सब कुछ सरेंडर कर दो। उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। जो हम देते हैं उस कौन उसका उपभोग करता है? बाबा तो करते नहीं, उनके तो शरीर है नहीं, तो हमारी ही सुविधा के लिए वो यूज होता है, तो पालना भी हम ही लेते हैं। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया। देखो अपना सब कुछ धनी के नाम कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया, फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके। एक बार आपने बाबा को समर्पित कर दिया, फिर श्रीमद बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते। श्रीमद अनुसार ही करना होगा, बाबा से पूछ कर करना होगा, व्यर्थ खर्चों में नहीं डाल सकते। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है ना, अपना ही राज्य भाग्य दे दिया तो फिर राजकोष का धन अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए भी नहीं यूज कर सकते थे। तो ये कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं, कहानी बनाई है, कहानी है, सत हुई भी है ये। तो बाबा कहते हैं कि जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। समझते नहीं है कि अमानत में खयानत नहीं कर सकते। भारत बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारी सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। हर एक आत्मा सहित पांचों तत्वों को, प्राणी मात्र को बाबा पवित्र बनाते हैं, पवित्रता के सागर है ना। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में हैं सब सुख की चीजें। यहाँ देखो, जिन चीजों से अभी सुख अनुभव हो भी रहा है तो थोड़ी देर बाद उसी चीज से दुख भी हो जाता है, और सतयुग में है सुख ही सुख। वहां यह तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती, प्रकृति भी एकदम सत्वप्रधान है। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं, मानेंगे तो कम लोग ना, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता। तो आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। आए बाबा को पहचाने, पढ़े, अनुभव हुआ, फिर छोड़ के चले जाते हैं, माना समझा ही नहीं।
बल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। जितने भी आए सारे यहाँ पर टिक जाएं, रुक जाएं, ऐसा तो नहीं है छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। पार्टियाँ लेकर आती ना दीदी, फिर लिखेंगी बाबा उस बच्चे ने तो आना बंद कर दिया। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हों तो उनमें फल भी आवे, माना समझ में आ जाए तो फिर टिके भी। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। एक बार ज्ञान बुद्धि में समझ में आ गया, निश्चय बैठ गया, अनुभव हो गया, तो फिर सेवा करेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे, उनका फल निकलता है। क्योंकि खुद को प्राप्ति होती है तो वो औरों को भी अच्छे से समझा सकते हैं। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है। अब राज करना है तो प्रजा तो बनानी है ना। प्रजा बनाएंगे या राजा बनाएंगे हम? विश्व महाराजन बनना है तो राजाएं बनाना पड़ेगा, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। अब आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो माया तो परीक्षा लेगी ना। बाबा कहते हैं ना, जाओ मैं माया को ऑर्डर देता हूँ कि जाओ बच्चों को देखो स्वर्ग के लायक है कि नहीं, खूब दुख के पहाड़ गिराओ इन पर। बोलते हैं ना बाबा कि चेक करो कि मेरे बच्चे कैसे हैं, लायक हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि माया के तूफान बहुत आते हैं, ऐसे बच्चे कहते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे। बाबा को याद भी करना है, सेवा भी करनी है, तभी तो मालिक बनेंगे ना। अपना वारिस कैसे बनाएंगे, प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं फिर फारकती दे देते हैं, कुछ दिन चले और फिर गायब। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बुद्धि का योग यहाँ से टूटेगा तो कहीं और तो जुड़े गई ना, कहीं तो लगे गई, तो खेल खत्म हो जाता है फिर तो। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे, कैसे हम अचल अडोल बने। तो उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे। भले जो जीतता है उसको भी मार तो पड़ती है ना, कई घूसे कई पंचेस तो लगते ही हैं। जरूर दोनों में हिम्मत होगी, थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे, लगे गई ना। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। माया ने आपको थप्पड़ मारा, आप बाबा को याद करो तो माया को भी थप्पड़ लगेगा अपने आप और माया भाग जाएगी। परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है। देखो कई बार कितना लंबा मैच चलता है। तो बाबा कहते हैं कुश्ती लड़ो माया से, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है, युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है, मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। समझ में आ गया तो फिर योग लगाए बिना रह नहीं सकते ना। बाबा कहते चलो ज्ञान समझ गए, औरों को भी सुनाते हैं समझाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ही नहीं याद करेंगे तो फिर क्या फायदा है इन सब चीज़ों का। तो योग तो पूरा चाहिए, बाबा को ज्ञानी योगी बच्चे पसंद है। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना।
8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। देखो अष्ट रत्न विजयी माला 108 की माला का गायन है, तो ये राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं, वह सब बनते यहाँ हैं। चांस अभी बहुत अच्छा है। अब तो देखो अंतिम समय है, अब कितना मौका बचा है, कितना चांस है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, जो ले ले वो ले ले। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे, कसम खा ली ना, तेरे दर से तो कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ के तो जाएंगे ही नहीं, भले यहीं मर जाएंगे, जीना मरना तेरी गली में। मर तो पहले रहे थे ना, बाबा मिला तब तो जीना आया है, जीने की इच्छा जागृत हुई है, है? तो फिर अब शरीर छोड़ना भी है तो बाबा की याद में, यहीं पर। बाबा कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है, कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना, तुम्हारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, बाबा नया शरीर देंगे। सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना, पुराने के बदले नया, एक्सचेंज ऑफर है ये। तो नया शरीर लेने के लिए क्या करना होगा? तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, बार बार प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा अलग देह अलग अशरीरी, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो, खुद को आत्मा समझो, बाबा को याद करो और अपना सब कुछ सरेंडर करो। बाप कहते हैं इन सब शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ, जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ, मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। कोई मनुष्य के पास ये ज्ञान ही नहीं है, सच्ची गीता कोई सुना ही नहीं सकते हैं, राजयोग सिखा ही नहीं सकते हैं, तो कैसे राजा रानी बनाएंगे? फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप तो कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, बाबा के बच्चे बनेंगे तब तो फिर जायदाद मिलेगी, वर्षा वसीयत मिलेगी, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा है शुद्धता का सागर, मैल निकालने वाला है ना, जितना बाबा से जुड़े रहेंगे अंदर की गंदगी, अशुद्धता, अपवित्रता, मलिनता, गंदगी सब साफ होती जाएगी और हम शुद्ध प्योर बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे, शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी है, सब कुछ बाबा को सौंप दो और फिर पूछो कि बाबा अब हम कैसे करें, हर बात में मत लेनी है, शरीर निर्वाह कैसे करना है, आजीविका कैसे चलानी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, बाबा को पूरी बात बताते हैं, साहूकार दे न सके, सरेंडर हो नहीं सकते, मोह रहता है ना उनको, कोई विरला निकलता है। अब कोई कोई है जो देखो बाप पर न्योछावर हो जाते हैं, जैसे कि जनक का नाम है, राजा जनक का भी नाम है, देखो इतिहास में कैसे राज्यभाग संभालते हुए और डिटैच रहते थे, बुद्धि राज्य भाग्य में नहीं थी, संभालते हुए भी ये पता था कि मैं आत्मा हूँ, सब भोग भोगते हुए भी उससे उपराम। तो बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है तो अलग कैसे हों? अब कोई बिजनेसमैन है, उनके बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, कारोबार किसी के साथ है, कोई पार्टनर है, तो अलग कैसे होंगे? तो ये सब बातें रहती हैं। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकालें कैसे?
जो सरेंडर हों। कैसे निकालेंगे अपना हिस्सा, कैसे अलग करेंगे, इतना बड़ा बिजनेस रहता है। पर बाबा का देखो पार्टनरशिप में काम था, तो बाबा ने तो अपने पार्टनर को कहा कि आपको हमें जो देना है दे दो, मुझे तो भगवान मिल गए, है ना। अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ को हुआ रेल का राही। तो जैसे ही बाबा को निश्चय हुआ, बाबा ने तो अपना सब कुछ अलग करके जो कुछ भी मिला उसको शांति से स्वीकार किया और फिर देखो यज्ञ में समर्पित हो गए। तो बाबा कहते हैं कि बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। माताएं तो फिर भी थोड़ा बचा के रख लेती हैं ना, कन्याओं के पास तो कहाँ से आएगा। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, क्योंकि लौकिक बाप से तो मिलता नहीं है। आजकल है कानून, पर फिर भी वो पेपर तक ही है, कितना प्रैक्टिकल में मिलता है ये तो पता नहीं है ना, सबके अलग अलग अनुभव हैं। तो बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, और बेटों को देखो कितना नशा रहता है। माताओं को भी आजकल नहीं मिलता, ऐसे स्त्री धन कहेंगे, स्त्री का अधिकार कहेंगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखें तो कहानियां सबकी अलग अलग सुनने में आती हैं। तो बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े, तो वह सब छोड़ कर फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। जिसके पास जो कुछ भी जायदाद है, जितने के भी मालिक हैं, जब आप वो सब बुद्धि से छोड़ो, बाप के बनो, सरेंडर करो सब कुछ, तब तो आप वैकुंठ का वर्षा ले पाओगे ना। बाबा वही कहते हैं कि बाबा तो गरीब निवास है, दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, भारत है सबसे गरीब। देखो कहाँ विश्व गुरु भारत, और अभी गरीब, चरित्र से भी गरीब हो गया, और धन वैभव भी देखो सब लूट कर ले गए। अमेरिका बहुत साहूकार है, कहते ना अभी धरती पर स्वर्ग देखना हो तो अमेरिका में देखो, आजकल तो दुबई भी बना दिया है। तो बाबा कहते हैं अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? देखो बाबा अमेरिका में तो नहीं आए। भारत सबसे साहूकार था, और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं, वन से फिर टू थ्री होगी। अभी तो देखो कितने सारे हैं, हर 100 किलोमीटर पे अलग भाषा अलग धर्म, तो वन से फिर टू थ्री होगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया, ऊपर स्वर्ग है। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, ऊपर दिखाया मानो ऊंची स्थिति है ना, जब हमारी स्थिति ऊंची होती है, जब हम आत्म अभिमानी अवस्था में होते हैं, तो ऐसी ऊंची दुनिया तो उसको छत पे दिखा दिया, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको, कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। यदि पूरा ज्ञान नहीं समझा है तो रोज माया का भोजन बन जाएंगे, कच्चे ही खाएगी। आजकल तो रॉ खाने का जमाना है ना। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कई दीदी है देखो कितनी अच्छे से समझाती हैं, तो जो जिज्ञासु हैं वो लिखते हैं बाबा को कि बाबा हमें तो एकदम आपका ज्ञान समझ में आ गया, तीर लग गया हमें, तो इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया है, गंदगी तो बहुत है, दिखाया ना कि वो शिखंडी ने भीष्म पितामह को बाण मारे। तो यहाँ पे देखो ब्रह्मा कुमारी क्या है, साधु सन्यासी सबको समझाती है ना, कोर्स कराती है, ज्ञान देती है। तो बाबा कहते हैं ये तो कोई समझते नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जो मन में आया लिख दिया, गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं, जब सच निकलता है तो झूठ सामना करता है।
अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। दिखाया ना, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु, क्या क्या दिखाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं नाभि की कोई बात नहीं है, झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखो कितनी चमकदार। तो बाबा कहते हैं तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अब झूठ की दुनिया में आप सच बोलोगे तो झूठ बोलने वाले को तो मिर्ची लगेगी ना। अरे मोस्ट बिलीवड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं। जब हमारा पिता स्वर्ग स्थापन करता है तो हम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं, नर्क के मालिक कैसे बने हैं। गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। कहते हैं ना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ऐसी दुनिया बनाई। तो ऐसी पुरानी गंदी छीछी पतित दुनिया बनाएंगे क्या भगवान। भगवान ने तो अच्छी दुनिया बना कर दी ना, हमने अपने कर्मों से देखो दुनिया का क्या हाल कर दिया। तो ये ख्याल हमारे अंदर चलना चाहिए कि भगवान ने क्या बना के दिया और हमने उसका क्या हाल कर दिया। अच्छा मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। ज्ञानी योगी बच्चे बाबा को पसंद है। वरदान है मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। कौन सा मेरापन है। बाप दादा समझाते हैं जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। दिल से कहना है मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा है, मेरा बाबा। आपने दिल से कहा तो बाबा आप पर कुर्बान हो जाता है। रिटर्न में पदम गुना बाबा कहते हैं, उसी प्यार से देखते हैं जैसे कि आप बाबा को देखते हो, कहते हो, बोलते हो। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। अब बाबा की रहम होगी, स्नेह मिलेगा, मदद मिलेगी तो आगे तो बढ़ेंगे ही ना। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। रूहानी मेरापन कि बाबा मेरा और हम बाबा के, ये रूहानी मेरापन। तो इससे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे समर्थ बन जाते हैं, शक्तियाँ मिल जाती हैं। ये बाबा का आशीर्वाद है, रहम है, कृपा है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। बाबा संकल्पों से हमारी पालना करते हैं, है ना। सूक्ष्म स्नेह के संकल्प, बाबा का प्यार, यही हमको पालता है। तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाएं कैसे। क्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, क्यों पल रहे हैं, क्यों यहाँ पर हैं, क्योंकि बाबा का स्नेह है हम पर। ये अनुभव करते हैं ना, तभी तो हम समर्थ बनते जा रहे हैं, संपन्न बनते जा रहे हैं। तो इसी अनुभव को और बढ़ाना है। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जो बाप के प्यारे हैं
उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। यदि बुद्धि में कुछ और है, कोई और है, माना बाप से हमारा पूरा प्यार नहीं है, तो हम प्यार नहीं करेंगे तो बाबा के प्यारे हो सकते हैं? क्योंकि हम न्यारे नहीं हुए और चीजों से, और संबंधियों से, तो न्यारे होंगे तब तो बाबा के प्यारे होंगे ना, तो बाप का प्यारा बनना है। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के शब्द हैं। पहला मरजीवा, ये याद रहे कि पुरानी दुनिया से हमें मरना है और बुद्धि से इस नए जन्म में बाबा के साथ हमें जीना है, मरजीवा जन्म है हमारा। दूसरा संपूर्ण सरेंडर, पुरानी दुनिया से बुद्धि पूरी तरह हट जाए और जो कुछ भी हमारे पास है, मैं मेरा सब कुछ समर्पण करना है, सरेंडर करना है। तीसरा है फ्लाइंग स्क्वाड, बाबा ने बोला ना कि आत्मा सबसे तीखी उड़ान, सबसे तेज उड़ान, सबसे ऊंची उड़ान भर सकती है, तो फिर हमें उड़ना है। और चौथा है माया के तूफान। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं माया को बोलता हूँ जाओ बच्चों की परीक्षा लो, दुख के पहाड़ गिराओ इन पर। क्यों? क्योंकि बाबा हमें विश्व महाराजन बना रहे हैं, तो परीक्षा तो लेंगे ही ना, माया के तूफान आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। और पांचवा ट्रस्टी, श्रीमत पर हमें सब कुछ यूज करना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, अमानत में खयानत नहीं करनी है। ओम शांति।